देख सकते हैं किस तरीके से नागपुर के अंदर बारिश है और चारों तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया है बारिश की वजह से। ये मैं नागपुर का आलम दिखा रहा हूँ। लोग पुल का सहारा लेके पुल के नीचे खड़े हैं। पुल से किस तरीके से झरने की तरह पानी गिरता हुआ, कितनी स्पीड से पूरा ट्रैफिक थम सा गया है। लोगों के पैर कदम पुल के नीचे छप्पर के नीचे रुक गए हैं और जितने खाने पीने के जो डाले थे वो भी थम चुके हैं। आसमान ऊपर में मेट्रो का काम, मेट्रो से नीचे में जो गाड़ियाँ जाती है उसके पानी किस तरीके से आ रहा है। आसमान बरसाता हुआ, बादलों की गड़गड़ाहट आपको सुनने में मिल जाएगी। कुछ बच्चे नहा के मज़ा लेते हुए। ये हेमंत टीवी चैनल आपको दिखा रहा है बार बार, हर बार पल पल की खबर। तभी ऊपर से गिरते हुए पानी से बचकर जाते हुए मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें। ये तूफानी बारिश सभी के कदमों को रोकते हुए आगे से आगे मैं आपको दिखाता हुआ। लोग पुल का सहारा लेकर इस बारिश से बचते हुए रेनकोट पहनकर लोग गाड़ी चलाते हुए। दुकानें भी खाली है सभी, कोई ग्राहक नहीं कहीं भी। व्यापार पूरी तरह ठंडा, ठप बोल सकते हैं, पूरी तरह ठप है। और महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन है, एक तरफ इलेक्शन की गर्मी, दूसरी तरफ ये बरसाती ठंडी हवा और तीसरी तरफ ये पानी जो है बर्फ़ के माफिक ठंडा। कहीं पर बर्फ़ भी गिर रही है, मैं बताऊंगा, ओले भी गिरे हैं। देखिए किस तरीके से बरसात आती हुई और पूरे नागपुर में ये पानी भर गया। देख सकते हैं नालियाँ धीरे धीरे भरती हुई, जल निकलने का कोई साधन नहीं। चारों तरफ यही आलम मिलेगा। और इसी तरीके से बारिश रही तो पानी जो है घुटनों तक आ सकता है। इस बहाने बसों की जो धुलाई है वो फ्री में हो जाती है। अपनी गाड़ियों को बरसाती पानी से धोते हुए कुछ बस वाले। मैं हेमंत वसावर, हेमंत टीवी चैनल से। ये नागपुर की बरसाती हवा, नागपुर की बारिश, नागपुर की ठंड और ये नागपुर में थमता हुआ ट्रैफिक, जनता का पैर कदम रुक जाते हैं।